नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। जिले में एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जहां एक बारात को बिना दुल्हन के ही लौटना पड़ा। इसकी वजह है कि लड़की नाबालिग थी, जिसकी सूचना गांव के ही कार्यकर्ता ने परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास को साझा की, तो महिला बाल विकास अधिकारी ने तहसीलदार आदि के साथ मिलकर तत्काल मौके पर पहुंची तथा दोनों पक्षों को समझाइश देकर शादी के प्रस्ताव को रद्द कराया, जिससे बिना दुल्हन के ही बारात वापस लौट गई। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रायपुर क्रमांक एक परियोजना अंतर्गत कल सिरखिनी ग्राम में 16 साल की नाबालिग सरिता शर्मा का बाल विवाह का आयोजन हो रहा था, जिसे कार्यकर्ता सविता सिंह के द्वारा शाम 7 बजे सूचना दी गई कि सरिता उर्फ सुहानी शर्मा, जो कि नाबालिग है, जिसका विवाह किया जा रहा है। सूचना पाते ही बाल विकास की टीम, परियोजना अधिकारी अंजना सिंह, सुपरवाइजर प्रीति उपाध्याय, नायब तहसीलदार ममता पटेल, सब इंस्पेक्टर दिव्या उपाध्याय पुलिस टीम के साथ मिलकर मौके पर पहुंची तथा तत्काल ही बालिका का आधार कार्ड एवं दस्तावेज जांच किया तो सही पाया गया। इस दौरान बारात लेकर आए लोगों से बातचीत की गई तथा बताया गया कि लड़की विवाह योग्य नहीं है, लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, इसलिए मौके पर सभी को समझाइश देकर पंचनामा तैयार करके बारात वापस हुई। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारे। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।